नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द एलिवेटर गोज अप विद द एक्सलेन ऑफ 1.2 पॉइंट टू गोज अप विद डी एक्सलेन ऑफ 1.2 पॉइंट टू गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलासिटी गोज डाउन विद एक्सलेन वन पॉइंट टू गोज डाउन विद डी एक्सलेशन वन पॉइंट टू एंड गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलासिटी तो यहाँ पे हमें एक्चुअली एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच छः सवाल पूछे हुए हमसे छः हो गए ना छह सवाल पूछे हैं अगेन सारे सवाल सिंपल है थ्योरी में सारी चीज़ हम कवर कर चुके हैं सो so, इसको ऐसे समझते हैं कि ये स्नैरियो है कि आपका एक पार्टिकल है बॉब यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें ऊपर ए एक्सलेशन से जा रही हैं तो यहाँ पे हमें बताना है फाइंड द टेंशन ऑल सो यहाँ जो टेंशन है बतानी है तो इसमें इस केस में टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी प्लस अगर पूरा सिस्टम लेट से कलर चेंज कर लेते हैं पेन का अगर पूरा सिस्टम नीचे ए एक्सेलेशन से जा रहा है सो उस केस में आपकी टेंशन हो जाएगी एम जी माइनस ए और अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में टेंशन हो जाएगी आपकी एम जी सो ये आपके स्नैरियोज हैं इसको हम ऑलरेडी कई बार थ्योरी में कवर कर चुके हैं ठीक है सो बस डेटा रखते हैं वैल्यू आएगी अपनी तो पहले वाले केस में हमें कहा है गोज़ अप विद एक्सलेशन पहले वाला केस है सो so, एक्सोलेन एक काम करते हैं ऊपर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं ठीक है सो इफ दैट इज़ द केस तो आ, पहले वाला केस है गोज़ अप विद एक्सोलेशन 1.2, तो आपकी टेंशन हो जाएगी एम एम हुआ 50 ग्राम सो फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्सोलेशन वन पॉइंट सो नाइन और plus, uh, so, ये आ गया प्लस वन सो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ग्यारह सो फिफ्टी इंटू ग्यारह सो so, इसको जब सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई इलेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन टू द पावर माइनस थ्री सो आपकी जो टेंशन है वो आ गई आपकी आ ये बनेगा 550 ये तो आ गया 0.55 न्यूटन ये आपकी टेंशन हो गई है सेकेंड केस में हमें दिया हुआ है गोज अप विद डी एक्सलेशन सो टेंशन विल बी इक्वल टू फिफ्टी मल्टीप्लायड बाई टेन टू द पावर माइनस थ्री नाइन पॉइंट एट माइनस वन पॉइंट टू सो so, इसमें से 1.2 पॉइंट माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 8.6 पॉइंट so, सो आपकी जो टेंशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.43 पॉइंट न्यूटन ठीक है थर्ड uh, केस है गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी सो टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी सो ये हो जाएगा फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय जी आप या नाइन ही ले रहे हैं सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो न्यूटन ये आपका इस केस में आंसर हो जाएगा नाउ आपके uh, जो नेक्स्ट केसेज हैं Uh, क्वेश uh, आपका केस डी है गोज़ डाउन विद एक्सेलेशन 1.2 पॉइंट टू सो गोज़ डाउन विद एक्सेलेशन 1.2 का मतलब ये है उस केस में अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं सो so, आपकी टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी माइनस ए सो ये आपकी हो गई फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री नाइन और इस बार एक्सेलेसन नीचे की तरफ है तो ये आ जाएगा माइनस वन सो इसे जब सॉल्व करेंगे सो so इसकी आपकी वैल्यू आ जानी चाहिए ऑलरेडी ये केस हम सॉल्व कर चुके हैं बाद में सो दिस विल बी 0.43 न्यूटन नेक्स्ट आपका ऑप्शन ई है गोज डाउन विद डीलेन ऑफ 1.2 डी एक्सलेशन ऑफ पॉइंट का मतलब ये कि वेलोसिटी और नीचे है लेकिन आपका एक्सेलेशन ऊपर लग रहा है सो so, आपका जो ऑप्शन ई है उसमें आपकी टेंशन हो जाएगी एम जी प्लस ए यानी कि 50 इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई नाइन पॉइंट एट प्लस वन पॉइंट टू इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.55 पॉइंट न्यूटन ये ऑलरेडी हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया है और लास्ट ऑप्शन है गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो आपका एफ जो है टेंशन uh, उसकी वैल्यू होएगी एम जी ऑलरेडी ये कैलकुलेटेड है सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो न्यूटन सो ये आपके uh, सारे स्नैरियोज़ हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं